और अभी इसकी हालत देखना हम क्या करने वाले हैं ना। मैं उस साइड खड़ी थी गेट की साइड, और बिल देखते ही बोला दीदी हटियो साइड, मुझे लगा भागने वाली है, इसको मैंने भी पकड़ा है। कैसे दिया आलू? फोन पे है? फोन पे नहीं है, पैसे नहीं है क्योंकि। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और अभी आलू ले लेती हूँ, हलवा लाया हुआ है। सुबह का सबसे पहला काम नवरात्रि में ना ज़्यादा आलू लगते हैं वैसे भी, तो ले लूँ, ख़त्म हो रखे हैं। 100 के 5 किलो कह रहे हैं ना, 5 किलो तो ज़्यादा हो जाएंगे, पर देखो 5 किलो में कितने चढ़ेंगे। वैसे तो नवरात्रि में यूज़ हो ही जाते हैं सारे। उसके मैं कर दूंगी, वो साथ के साथ ले लेना। हाँ तो दूसरे से तो फोन करके पूछना पड़ेगा ना। हाँ, तो दूसरे के पर आ रहे हैं। ये वाले एक और सब्जी वाले भैया आ रहे हैं, इनके मैं कर दूंगी मैं फोन पे, इसके पास नहीं है ना। तो मेरे मेरे करूंगी। हाँ इसको 100 रुपए दे देना। सब्जी ये दे दो, कद्दू कैसे दिया? 40 रुपए। तुम अब सब्जी महंगी देने लगे पहले के मुकाबले। और बताइए सर। और कुछ नहीं, ये ले लिए है मैंने 5 किलो आलू, खाएंगे अब व्रत में खूब पकोड़े बना बना के। तो गाइज अभी ना मैं नहाने जा रही हूँ, और नहा के आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। अभी आई फटाफट नहा के, देखना कैसी लगेगी। और बाहर हो रही है बारिश, ये देखो काले काले बादल। फोन में ना बारिश दिखती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने नहा के पूजा पूजा कर ली है, और अब मैं पीने जा रही हूँ चाय, और 10 बज गया। और चाय पीने के बाद क्या करना है, दोपहर का खाना बनाना है, और बच्चे मना कर रहे हैं खाना खाने को, बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं हमें नहीं खाना। तो फ्रेंड्स ये बना लिया मैंने अपने लिए चाय, और आज मेरे को कुछ काम नहीं करना, पूरा दिन फ्री रहूंगी मैं। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे दोनों बोल रहे हैं हम दोपहर को खाना नहीं खाएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट इन्होंने लेट ही किया था वैसे, और अभी ये केक बचा हुआ है इनका कल का, तो अभी बोल रहे हैं हम बस केक खाएंगे। वैसे अभी बहुत टाइम है, 11 ही बजे अभी, तो अगर बोलेंगे तो खिला बना दूंगी कुछ चुटर पुटर, नहीं तो रोटी सब्जी तो नहीं बनाऊंगी अब मैं, क्योंकि इन्होंने दोनों ने मना कर दिया। नोनू आटी सब्जी खाओगे आप? नहीं। टुट्टू खाएगी? नहीं, दोनों ने मना कर दिया। और शाम को जल्दी बना दूंगी या तो, और मतलब रात का खाना जल्दी बन जाएगा, और शाम को कुछ 4-5 बजे बना दूंगी इनके लिए नाश्ता का। और अब मैं पूरा दिन फ्री, मुझे कुछ नहीं करना है, अब चाय पी लेती हूँ, और मैं भी शाम को कुछ खा लूँगी बना के, पकौड़ी पकौड़ी। अभी तो मेरा भी मन नहीं है, मेरा पता है इतना मन करा था ना स्ट्रॉबेरी खाने का, रखी हुई है लेकिन मैंने खाई इसलिए नहीं है, मुझे चाय चाहिए थी सबसे पहले, पूजा करते चाय चाहिए, तो थोड़ी देर में मैं वो खा लूँगी पहले, तो दिन में ज़्यादा भूख नहीं लगेगी फिर मुझे। और क्या करें नोनू, और कुछ नहीं, अभी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, ठीक है? दोनों सोच रहा मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे क्यों बोल रही है मम्मा ब्रेक के बाद मिलते हैं। नोनू और टुट्टू जा रहे हैं बुब्बुले ने, और ये देखो यहाँ तक भी बेल्ट वेल्ट डांट के जाएगी, ये हो गई है बारिश बंद। तो फ्रेंड्स अभी ना अभी अभी पारुल का फोन आया है, तो वो आ रही है घर पे, बहुत दिनों से मेरे घर नहीं आई, वो महारानी है और आज आ रही है, मन लगेगा, मिलवाते हैं उससे आपको, क्योंकि फिर वो अपनी ससुराल मतलब गांव चली जाएगी, फिर तो कम पता नहीं कब की कम मिलेगी, और इसीलिए ही वो आ रही है क्योंकि फिर वो चली जाएगी, तो जब वो आएगी मिलवाती हूँ आप लोगों को उससे, तब तक कुछ काम कर लूँ मैं भी, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। और ये देखो नोनू क्या गिराएगा अभी, पजल की इन्होंने कहाँ तक लाइन लगाई है, नीचे तक गिराओ नोनू बाबू, कितनी मेहनत की है बच्चों ने। ये गई ये गई, रुकेगी तो नहीं बीच में, देखते हैं, रुक गई। तो फ्रेंड्स अभी मैं खा रही हूँ एप्पल और स्ट्रॉबेरी, किसको खानी है खा लीजिए। नोनू स्ट्रॉबेरी खाओगे? नहीं ये कुछ नहीं खाता है, और पूरा दिन ऐसे भूखा घूमता रहेगा, अब तो कमजोर भी हो गया है, थोड़ी पेट में तसल्ली हो जाएगी, चाय 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 से ना पेट भी जल गया होगा बेचारा, क्या सोचता होगा कि ये सारे दिन चाय पीती रहती है। ओए हीरो एप्पल तो खा ले। नहीं क्या लोगे उसमें से? फ्रिज में लग गया, कुछ नहीं है उसमें, आपके काम का। बुब्बू है, मलाई है, और क्या है फ्रिज में?
गोभी है, टमाटो है, एप्पल है, और क्या है? देख क्या आएगा बताएगा। सोस है, पापा पापा की दवाई। हाँ, काढ़ा रखा है उसमें। और ब्रेड भी है, ब्रेड तो लेकिन बाहर रखी है, वो पुराने वाला पैकेट है। और बुब्बू तो मैंने बोल दिया ना, दही है, बस ये है हमारे फ्रिज में। मियोनी थी वो खत्म हो गई, वो भी है ना नोनू, और नोनू को मियोनी बहुत पसंद है। और इधर ये टुटू देखो, पजल में ही लगे, पूरा दिन निकाल देते हैं बच्चे। और ये देखो, ये वेट कर रहा है यहाँ लेट के महाराज, कि जब ये पूरा बना लेगी तो ये गिराएगा, फिर इसलिए लेटे हुए आप यहाँ। पूरे स्टाइल में है और इतरा कितना रहा है। आऊ मेरे बेटा, बहुत अच्छा है मेरा चंदा। ओले ओले ओले। और ये देखो, ये लगी हुई यहाँ पे, इधर पैर पे पैर भी रखा है, कुछ ज्यादा स्टाइल नहीं हो गया नोनू? और बहुत सारे इंतजार के बाद ये आ गए हैं आज हमारे घर बड़े बड़े लोग, जब बहुत टाइम से आ नहीं रहे थे। और अभी इसकी हालत देखना, हम क्या करने वाले दिया। और ये बेचारा इधर बैठा था, पता नहीं ये डरा कि डराएगा। अभी डराएगा, मैं सोच रही मैं आई नहीं थी, कोई आया ही नहीं। नोनू आप मेरे लिए गिफ्ट कह रहे थे ना? और ये देखो, नोनू ने मौसी के लिए गिफ्ट। अरे थैंक यू सो मच नोनू, कितना अच्छा बेबी है। थैंक यू बोल रही है मौसी, बोल गया था, कंफ्यूज हो गया, ये शर्मा रहा है ना तेरे देखो से। ये मेरे को नोनू ने मेरे लिए केक बचाया है, स्पेशल बचाया इसके लिए, बोल के कि मौसी का, जब इसे पता चला ना है कि बेचारा खा रहा था, तब मौसी का फोन आया कि मैं आऊंगी, और बचा दिया उसके लिए कि मौसी को दूंगा। और फोन पे बोल रहा कि गिफ्ट है आपके लिए, गिफ्ट जल्दी आओ गिफ्ट। हाँ, और अभी टाइम हुआ है 4:15, और हमने बना लिए पकौड़ी। इसको भी भूख लगी हुई थी, और मैंने भी सोचा अभी खा लूंगी मैं भी, फिर रात को, ज्यादा रात को ना वही रोज वाली बात हैवी हो जाती है, तो मैंने भी खा ली। और बच्चों को भी यही दे दिया अभी बना के ना, टेस्टी हो रही है। अब चाय रखिए गैस पे, चाय लाती हूँ जाके, फिर जिसको खानी है आ जाओ, ये तो बोलेगी नहीं, मैं ही बोल देती हूँ। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं मार्केट तक, इसको जाना है जरा कॉस्मेटिक की। कहाँ जाएगी तू? दुकान किस चीज की दुकान? हलवाई की दुकान पे जाएगी। तो अभी जरा यही है पास में, कॉलोनी से निकलते ही, तो इसको जाना था, मैं भी चलती हूँ इसके साथ, फिर स्कूटी ले आऊंगी मैं, नहीं तो इसको फिर से आना पड़ेगा। और अब तो पता नहीं है कब मिलेगी है, पर बोल रही है अगले साल मिलूंगी। अब तो बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो इसको सब। गुड नाइट, गुड नाइट का टाइम नहीं है अभी, आज तो ये चलाएगी स्कूटी, रोज मुझे चलानी पड़ती थी। नेट तो नहीं चल रहा, रील बनाती मैं नहीं तो स्कूटी में बैठे बैठे, लेकिन घर में वाईफाई है, बाहर नेट ही नहीं चलता है मेरा। और ये है हमारी कॉलोनी, देखो कितनी अच्छी साफ सुथरी। क्या ब्लू रेड ग्रीन और हाँ, और ये देखो इसने इतना तामझाम ले लिया है, और अभी भी यहाँ से चलने का नाम नहीं ले रही है। चल जल्दी, मेरे बच्चे बेचारे अकेले हैं घर। और मैंने लिए हैं बस ये बिंदी के दो पत्ते, बच्चे तो ये मेरे हैं, बच्चों को फोन मिल जाता है ना मेरे आने से, इसलिए वो खुश हो जाते हैं। और ये देखो पारुल ने ना, मैं उस साइड खड़ी थी गेट की साइड, और बिल देखते ही बोला दीदी हटियो साइड, मुझे लगा भागने वाली है, इसको मैंने भी पकड़ा है। और अब ये देखो, अब ये सारा पैक कराएगी तामझाम के। आज बहुत सारा सामान लिया मैम ने हमारी, बिल नहीं दिखा रही, डर रही है बिल नहीं दिखा रहे, क्योंकि यहाँ पे ना डिस्काउंट है, इसलिए इसको मैं यही लेके आई थी। और शॉप का नाम ये देखो, शॉप का नाम बताती हूँ, बल्लूपुर चौक पे है ये शॉप। ये नाम है, और इधर है ना बल्लूपुर चौक से थोड़ा चल के ही है, ये ज्यादा दूर नहीं है, पैदल भी आ सकते हैं बल्लूपुर चौक से। क्या नाम है इसमें तो उल्टा दिख रहा था आपकी। अच्छा हाँ, सुन लिया होगा वैसे सबने, गुरु कृपा फैमिली का।
और इसको मिला है इतने सारी शॉपिंग के बाद ये वाला गिफ्ट, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और हाँ डिस्काउंट भी दिया इन्होंने बहुत सारा। और इनकी शॉप ना देहरादून में बल्लूपुर चौक के पास है और नाम है गुरु कृपा फैमिली कैंप। हाँ सो प्लीज आप लोग सब आइए। हाँ अच्छा डिस्काउंट देते हैं ये, और सामान भी बहुत अच्छा है इनका, ओरिजिनल जैसे कहते हैं ना, हाँ ब्रांडेड है, और काफी बड़ी दुकान है, देखो सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ अकेली घर, ये नहीं जाएगी, तो बाय 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 बाय, अब पता नहीं कब मिलेगी, बाय बाय बाय। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा लुक कैसा है मेरा आज साड़ी में, और बताना कैसा लग रहा है। नीचे झुकाना फोन को जरा, और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है और मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अभी शाम की पूजा भी मैंने कर ली है, और जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मिलके बोलो जय माता की। और माता रानी आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि शांति लेके आए, और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, इसी शुभकामना के साथ हैप्पी नवरात्रि और जय माता की। तो गाइस अभी शाम के 7 बजे हैं, और मैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ, अपने लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब खाना बनाना है। और शाम से बोल रही हूँ मैं चाय पीऊँगी, बच्चों को दूध तो दे देता, खुद चाय पी नहीं, क्योंकि फिर पूजा का टाइम हो रहा था, मैंने सोचा पूजा करके पी लूँगी, अब पूजा करके थोड़ा लेट गई, कमर सीधी करना जिसे कहते हैं, कमर सीधी की अपनी। और अब मैं चाय बनाऊँगी और बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी, तो पहले इसको चेंज कर लेती हूँ कपड़ों को, क्योंकि ये साड़ी में अगर चिकनाई लगी ना ख़राब हो जाएगी, इतनी सुंदर साड़ी है देखो, और मैं इसको ख़राब करना नहीं चाह रही हूँ, तो पहले चेंज कर लेते हैं और फिर बनाते हैं खाना चाय सब कुछ। तो फ्रेंड्स कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, और अब मैं बनाने वाली हूँ रात के खाने में कद्दू। अब कोई इसको कद्दू बोलता है, कोई इसको पेठा बोलता है, और इसको सीताफल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। अभी ना इसको बना देती हूँ फटाफट, और चाय अभी भी नहीं बनाई मैंने, पहले चाय रखती हूँ फिर काटती हूँ इसको। और ये रख दी है मैंने चाय बनने के लिए, बन जाएगी फटाफट, ये काट देती हूँ। और इसको ना मैं अभी सिर्फ आधा ही बनाने वाली हूँ, आधा ही काफी है, आधा फिर किसी दिन बना लूंगी, ये तो जल्दी से खराब भी नहीं होता है, बस ये है कि पक जाता है तो अच्छा ही है। वैसे भी मुझे मीठा बनाना होता है तो मैं मीठे वाला बनाती हूँ, मुझे और बच्चों को बहुत पसंद है, वैसे मेरे पति देव को पसंद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे पहले हैं। और ये हो गई है मेरी सब्जी कटके तैयार, अभी छोकनी है, और मेरी चाय भी बन गई है, पहले चाय पी लेती हूँ। और ये छोक दिया मैंने सब्जी, बनके हो जाएगी फटाफट तैयार, ये खाना बन के हो गया तैयार, बच्चों को खिला देती हूँ फटाफट, और दूध रख दिया है गैस पे, दूध भी हो जाएगा तब तक गर्म। और अब नोनू बताएगा खाना खा के कैसा बना है खाना, बताओ कैसा है बाबू। अच्छा अच्छा टुट्टू कैसा बना खाना, टेस्टी। तो गाइज अभी रात के 9 बजे हैं, और ये देखो बारिश कितनी तेज हो रही है, बिजली कड़क रही है आसमान में। मुझे ना रात को बारिश आने से सबसे ज़्यादा डर लगता है, और बारिश ज़्यादातर रात को ही आती है, पता नहीं क्यों। तो फ्रेंड्स अभी काम मेरे सारे निपट गए, खाने पीने के, किचन भी मैंने साफ कर दिया है, बर्तन वर्तन, और अब बस दूध का काम बचा है, वो निपटा लेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी देखो नोनू फोन में क्या कर रहा है, शॉर्ट वीडियो देख रहा है, और टीवी में गेम चला रखे हैं, और इसमें शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, दो चीज़ एक साथ। तो गाइज़ अभी ना 12:45 हैं, और ये देखो बच्चे दोनों सो गए हैं, ये मेरी बिल्लो रानी भी सो गई, और ये क्यूट बेबी भी सो गया, ये ना बहुत सीधा है बेचारा। तो इस व्लॉग का ना मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में। आजकल तो मैं डेली व्लॉग्स बना रही हूँ, एक भी दिन स्किप नहीं कर रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि रोज़ ऐसे ही बनाती रहूँ। और मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग में, नोनू को गर्मी लग रही शायद, हिल रहा है, और ठीक है ओके बाय बाय। और हाँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय।